खम्मागणी उदयपुर, मेरा नाम है मानशुल फ्रॉम टीम उदयपुर ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं, बीते 3-4 दिनों में उदयपुर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। इस घटना का एक बहुत ही भारी असर जो है वो उदयपुर के मार्केट पर पड़ा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कल भी भारत बंद है, जो कि व्यापारियों के लिए एक बहुत ही भारी सदमा है। आइए जानते हैं व्यापारियों से उनकी पीड़ा। मार्केट की हालत इतनी खराब है जिसकी कोई हद नहीं, और कल वापस अपना भारत बंद है। अगर इस चीज़ को अगर सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चों ने ये कांड किए हैं, कल कराते ऐसा वापस ना हो, उसके लिए प्रशासन को कुछ आगे रह के कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पर हो गया है, रेगुलर बंद ही चल रहा है। 15 अगस्त के पहले 12 बजे तक बंद हुआ था, उसके बाद 15 अगस्त आ गई, फिर नेक्स्ट है ये मर्डर वाला कांड हो गया बच्चे का, उससे 3-4 दिन रेगुलर बंद रहा है, जिससे व्यापारी पूरी तरह से टूट गए हैं। त्यौहार का टाइम था, व्यापारियों ने माल भरा हुआ है, रेडीमेड कपड़े हो गए, मिठाई वाले हो गए, सारे धंधे पे काफ़ी असर पड़ा है, और कल वापस भारत बंद का है तो उससे तो व्यापारी की पूरी तरह से कमर टूटी हुई है, पूरी तरह से मार्केट खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरा मार्केट सुनसान पड़ा है, तो इसके लिए अब उम्मीद करते हैं कि परसों से अच्छा मार्केट चले, आगे की जो व्यवस्था है जो अच्छी बनाए। हम सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि इस पर कुल मिला के रोक लगाए। जो यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ बढ़ती थी, जो लोगों में उत्साह था, जो त्यौहार का उत्साह था, वो सब तो खत्म हो चुका है। अब आगे जन्माष्टमी है, कौन निकलेगा खरीदारी के लिए ऐसे माहौल में। यहाँ पर 3-4 दिन दुकान बार बार बंद हुई है, बार बार मार्केट बंद हुआ है, उससे ग्राहकों पे बहुत इफेक्ट पड़ा, ग्राहक इधर आया नहीं है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है, पुलिस प्रशासन अपना पूरा कार्य कर रही थी, सुरक्षा की दृष्टि से सब जगह पुलिस लगी हुई थी, लेकिन लोगों में जो दहशत का माहौल था उससे इधर जनता आने में थोड़ी कतरा रही थी। देखिए 5 दिन से धंधे खराब है, कल और ग्राहकी ठंडा रहेगा मार्केट, और वैसे भी राखी का इस माहौल की वजह से ग्राहकी ठंडी रही, सब व्यापारी के माल पड़ा रह गया, मिठाई वालों के राखी वाले के ज़्यादा फर्क पड़ा है, और अभी भी मार्केट आज ठंडी राखी है, मार्केट सर ठंडा ही है एकदम, तो वैसे ही पब्लिक है ही नहीं मार्केट में, और कल भी है नहीं, ग्राहकी ठंडी रहेगी भारत बंद की वजह से। जो निर्दलीय घटना हुई है तो उससे मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ा था, जैसे कि राखी का त्यौहार था उस पर बहुत फ़र्क पड़ा मार्केट में, यानी कि जो बाहर की पब्लिक आनी चाह रही थी वो पब्लिक आई नहीं, उससे बहुत मार्केट में बहुत लॉस हुआ, हर आदमी का लॉस हुआ इस चीज़ को, और ये बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा ऐसा होना नहीं है चाहिए, और सबको अपने सबको सद्भावना बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अपने उदयपुर सिटी शांत सिटी है, तो इससे क्या सब आपसी भाईचारे की तरह रहे और सब मिलजुल कर रहे। मालदा स्ट्रीट वगैरह सब बंद है, इन सब बंद को देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आम आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या और खिलाएगा क्या।